Friends, students of 12th standard, we are going to start our poem, My Mother at 66. तो आज हम first poem start करने जा रहे हैं, My Mother at 66. मतलब, poet का कहना है कि उनकी जो mother है, उनकी उम्र अभी 66 की है. तो 66 के age में क्या हुआ, कैसे हुआ, that we all will read in this poem. See about the poet. Poet के बारे में दिया हुआ है, तो वो हम read कर लेते हैं. कमला दास पोएट कौन है कमला दास शी वॉज बॉर्न इन 1934 एंड वॉज स्टिल अलाइव टिल 2009 उनका जन्म हुआ था 1934 में और वो मरी थी 2009 में वॉज बॉर्न इन मलाबार मलाबार में वो पैदा हुई थी केरला में शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स अब उनकी जो पहचान थी भारत के प्रसिद्ध कवियों में से थी Her works are known for their originality, versatility and indigenous flavor of the soil. उनका जो काम था या उनका जो पहचान थी उसमें अपनी originality यानी सच्चाई थी ईमानदारी थी और versatility का मतलब होता है एकदम आर पार यानी कि किसी भी चीज़ में कोई झूठ या अफवाहें नहीं बिल्कुल सच और सत्य and indigenous flavor of the soil और इसके अलावा अपने देश की मिट्टी की खुशबू भी थी कमला दास had published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhavikutti. अब कमला दास की बहुत सारी novels यानी किताबें stories and short stories यानी छोटी छोटी stories जो कि English और Malayalam दोनों भाषाओं में प्रसिद्ध हुई थी published यानी कि छपी थी अब उनकी जो stories अब English और Malayalam भाषा में जो छपी थी उनमें से नाम हुआ करता था Madhavikutti. Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust. अब उनके कुछ प्रसिद्ध नावल में से एक थी Alphabet of Lust जो कि 1977 यानी 1977 में उन्होंने लिखी थी A collection of short stories पद्मावती The Harlot and other stories. उसमें उन्होंने collection of stories यानी छोटी छोटी stories जो है उनका collection डाला था जैसे पद्मावती The Harlot की पद्मावती द हार्लट एंड अदर स्टोरीज पद्मावती हार्लट के बारे में और कुछ और स्टोरीज जो कि 1992 में पब्लिश हुई थी इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री इसके अलावा एडिशन में 5 अलग अलग और भी पोइट्री बुक्स उनकी पब्लिश हुई थी शी इज़ एन सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सब्सलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड लिरिकल इडम अब वो ऐसी कवित्री थी जिनको सेंसिटिव राइटर यानी बड़े गौर से बड़े ध्यान से वो सब चीज़ों को बारीकी से नोटिस करते थे और वो अपनी पोएम में लिखा करती थी और इंसानों का निजी रिलेशनशिप यानी इंसानों का इंसानों के प्रति कैसा भाव है वो लिरिकल इडियम यानी लय और ताल को बना कर पोएम में डालती थी माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल उसी में का एक एग्जाम्पल है ये पोएम जिसका नाम है माई मदर एट 66 तो बिफोर यू रीड में देखे दिया है एजिंग इज़ ए नेचुरल प्रोसेस हैव यू एवर थॉट व्हाट अवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि एजिंग यानी उम्र जो बढ़ना वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है हर किसी के साथ होता है कुदरती है और क्या आपने कभी इस चीज़ पे गौर किया है कि आपके पेरेंट्स की जब धीरे धीरे उम्र बढ़ती है तो वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं यानी उनकी जो आपसे उम्मीदें होती हैं चाहते होती हैं कि वो क्या चाहते हैं आपसे तो वो हम इस पोएम के जरिए देखेंगे चलिए Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doze, open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked but soon, put that thought away and looked out at young trees printing the merry children spilling out of their homes, but after the airport security checks standing a few yards. अब देखिए यहाँ पे एक डॉटर ने अपनी मम्मी की कथा बताई है तो ड्राइविंग फ्रॉम पेरेंट्स होम पेरेंट्स के होम से वो निकल चुकी हैं कोचिंग जा रही हैं लास्ट फ्राइडे की सुबह की बात है आज और जब वो निकल रही थी तो उन्होंने अपनी मदर को देखा कि वो उनके बिसाइड में यानी बाजू में खड़ी थी डोर्स ओपन माउथ और फेस एशन लाइक दैट उनका मुँह खुला का खुला था उनके चेहरे पर जैसे उदासी छा गई थी और उनके चेहरे का एशन लाइक दैट यानी रंग उड़ गया था ऑफ ए कोप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन और उनके चेहरे को देख कर लग रहा था कि जैसे उन्हें बहुत दर्द है बहुत तकलीफ़ है दैट शी वॉज एन ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून अब
उनके चेहरे को देखकर लग रहा था कि अब वो बूढ़ी हो चुकी हैं और बहुत ही जल्दी अब उनका रंग फीका पड़ गया। पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग। अब वो कहते हैं ये सोच अपने दिल से निकाल दो और अपने आप को हमेशा जवान समझो। ट्रीज प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रंस फीलिंग, जैसे कि पेड़ जो होते हैं जब पत्ते झड़ जाते हैं तो पत्ते झड़ते हैं लेकिन फिर भी बच्चे जो हैं वो उस पेड़ के नीचे खेलते हैं। आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर देयर एयरपोर्ट्स, अब उसी तरह के एग्जाम्पल है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं वो एयरपोर्ट्स पे जाते हैं अपने घरों को छोड़कर, सिक्योरिटी चेक होती है उनकी स्टैंडिंग इन अ फ्यू यार्ड्स और कुछ दूरी पर वो खड़े रहते हैं जब उनकी चेकिंग होती है, या अपने पेरेंट्स से वो इतनी दूर निकल जाते हैं ऊँची उड़ान भर के कि उनके पेरेंट्स खड़े रह के देखते रहते हैं। हियर वी आर नाउ अगेन, आगे बढ़ते हैं। देखिए अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल As a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. अब यहाँ पे अवे आई लुक्ड यानी कि वो दूर खड़े रह के देखती रहती है कि उनकी मदर का जो फेस होता है बिल्कुल सूख जाता है यानी सूखा पड़ जाता है या उदासी होती है या दर्द होता है। ऐसे लेट विंटर्स, जिस तरह से जब ठंड के सीज़न होते हैं तो ठंड के सीज़न में क्या होता है, मून जो होता है उसके ऊपर रोशनी की जो लकीरें होती हैं बहुत ही कम दिखती हैं। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और वो देखने से लगता है जैसे मून भी जो है बूढ़ा हो गया, उसकी रोशनी में चमक नहीं है। फैमिलियर एक, और उसी तरह मदर का फेस भी है जैसे परेशानी से, दर्द से, जैसे परिवार का दर्द हो, बच्चों का तकलीफ़ हो, जैसे कि बच्चे जब छोटे हों, चाइल्डहुड फियर यानी कि बचपन का दर्द जो होता है पेरेंट्स को जो परेशानी होती है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून, लेकिन पोएट कहती हैं कि ठीक है मैं आपसे जल्दी आपको जल्दी आकर मिलूंगी अम्मा, और उन्होंने अपनी मम्मी को अम्मा कहा है। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, अब वो जाती रही उनसे दूर और उनके चेहरे पर सिर्फ स्माइल 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 थी। अब वो स्माइल 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 इसलिए कर रही थी जिससे उनकी अम्मा को ज़्यादा दुख ना हो। अब देखिए यहाँ पे मीनिंग दिया है स्प्रिंटिंग मीन्स शॉर्ट फेस रेस, यानी कि उनके चेहरा जो होता है दुख के कारण छोटा हो जाना, या रनिंग यानी कि जैसे दूर कोई जाता है आंखों से ओझल हो जाता है। वैन यानी WAN वैन का मतलब हो गया कलरलेस यानी चेहरे का रंग उड़ जाना, फीका पड़ जाना। तो ये पोएम ओवर हो गए स्टूडेंट्स। तो इस पोएम के ज़रिए पोएट आपको यही बता रहे हैं कि जब पेरेंट्स आपके उम्र वाले हो जाते हैं या बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी जो उम्मीदें आपसे होती हैं या जो वो आशाएं आपसे लगा के बैठते हैं उनको आप कभी दुखी नहीं करना, उनके हर हाल में उनकी खुशी का ध्यान रखना है। तो ये एक मैसेज के रूप में पोएम है आप लोगों के लिए। होप आपको अंडरस्टैंड, आप सबने समझ ली होगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।